ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास के माध्यम से हम लोग टॉपिक प्रारंभ कर रहे हैं लेटर राइटिंग का। लेटर राइटिंग जिसको सामान्य तौर पर जो है पत्र लेखन के नाम से भी जाना जाता है, आपके हिंदी में भी इस प्रकार का टॉपिक है पत्र लेखन का, और इस शैली से आप शुरुआत से ही बचपन से ही परिचित हैं पत्र लेखन के टॉपिक से। शुरुआत में हम लोग जो है छोटी कक्षाओं में पत्र लेखन का ही एक प्रकार जो है एप्लीकेशन राइटिंग भी पढ़ते आ रहे थे। अब एप्लीकेशन राइटिंग जो है इसी का जो है स्वरूप है, फॉर्मल लेटर का स्वरूप है। लेटर भी दो प्रकार के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इनविटेशन राइटिंग जो रिप्लाई है उनकी हम लोगों ने बात की थी, उसमें भी ये दो प्रकार के थे। तो हम लोगों ने फॉर्मल और इनफॉर्मल चीजों को अच्छे तरीके से समझा था। फॉर्मल का मतलब औपचारिकता, जिन लेटर में औपचारिकता ज्यादा होगी, रेस्पेक्टेड एंड विथ ड्यू रेस्पेक्ट एंड मोस्ट रेस्पेक्टफुली, इस प्रकार के शब्दों का हम लोग प्रयोग करते हैं, भले रेस्पेक्टफुली हो या मत हो। लास्ट में लिखते हैं ना आपका आज्ञाकारी शिष्य, आज्ञा भले माने नहीं माने लेकिन ऐसी फॉर्मल लैंग्वेज का हम लोग प्रयोग करते हैं। मैं आपका आभारी रहूंगा, मैं आपका कर्तज्ञ रहूंगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी ना, आपका बड़ा आभार आभार है, आभार व्यक्त करता हूँ, इस प्रकार की लैंग्वेज का जो प्रयोग करते हैं तो वो आपके फॉर्मल लैंग्वेज होती है। इनफॉर्मल में क्या होता है, रिश्तेदारों को जो लेटर्स लिखते हैं। अब लेटर में, लेटर राइटिंग में अपने मुख्य तौर पर जो है इनफॉर्मल अपने पाठ्यक्रम में नहीं है, अपने फॉर्मल है। फॉर्मल में फिर बिजनेस लेटर है, ऑफिशियल लेटर है, एप्लीकेशन राइटिंग जो है जॉब वैकेंसी के लिए लेटर टू एडिटर है, ये जो है मुख्य तौर पर अपने फॉर्मल लेटर्स अपने पाठ्यक्रम में है। इनफॉर्मल में क्या है, रिलेटिव्स को जो हम लोग लिखते हैं अपने नाते रिश्तेदारों को, जिसमें सामान्यतः हम लोग इनफॉर्मल बातें करेंगे। इनफॉर्मल बातों से तात्पर्य क्या हो गया, हालचाल पूछेंगे, हालचाल बताएंगे, प्रणाम करेंगे, रामासामा देंगे, ये सारी लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे। लेकिन वहीं अगर ऑफिशियल लेटर लिखें भी, कलेक्टर महोदय को कोई शिकायत का लिखना है, ऐसे थोड़ी कहेंगे कलेक्टर साहब मैं ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक होंगे, और आंटी जी को प्रणाम करना, चुन्नू मुन्नू कैसे हैं, ऐसी बातें नहीं लिखते हैं उसमें। और इनफॉर्मल में हम लोग जरूर लिखते हैं कि पूज्य पिताजी मैं या कुशल मंगल हूँ, मैं या नंदवाड़ स्कूल में अच्छी पढ़ाई कर रहा हूँ, इंग्लिश का मेरे 5 तारीख को जो है प्री बोर्ड है, उसकी तैयारी में लगा हुआ हूँ, मम्मी कैसी है, दादी कैसी है, और छोटू मोटू को मेरा प्रणाम लाड प्यार करना। ये लैंग्वेज कब प्रयोग करेंगे, इनफॉर्मल में प्रयोग करेंगे। फॉर्मल में प्रयोग करते हैं सिर्फ जो है औपचारिक भाषा, जो वास्तविक ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो चलिए हम लोग देखते हैं लेटर राइटिंग होता क्या है, इसमें किस प्रकार का टॉपिक अपने जो है पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं, उसमें किस प्रकार की लैंग्वेज का प्रयोग करते हुए अपन लोगों को लिखना। सबसे पहले जो है आपको अच्छी लेटर लिखने के लिए सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई मतलब क्या करना है, पहचान करना है। सबसे पहले जब क्वेश्चन आए तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है, क्लासिफिकेशन करना है उसका, कि किस प्रकार का लेटर लिखने के लिए कहा जा रहा है, टाइप ऑफ लेटर कैसा है। फॉर्मली है अपने पाठ्यक्रम में, तो अब उसमें अपने ये देखना है कि बिजनेस लेटर लिखने के लिए कहा जा रहा है, ऑफिशियल लेटर लिखने के लिए कहा जा रहा है, लेटर टू एडिटर लिखने के लिए कहा जा रहा है, जॉब एप्लीकेशन के लिए लिखना है, कि कैसा लिखना है। उसी अनुसार आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ करके समझना है कि लेटर किस बारे में पूछा जा रहा है, लिखने के लिए कहा जा रहा है। द इंट्रोडक्शन एंड द कंक्लूजन शुड बी प्रॉपरली रिटन। अब इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन से तात्पर्य क्या हो गया, भी जो आप लेटर लिख रहे हैं उस लेटर का इंट्रोडक्शन, उसका जो परिचय है वो किस बारे में है, उसका सब्जेक्ट जो है वो स्पष्ट रूप से इंगित होना चाहिए, और शुरुआती लाइनों में जो लेटर का मेन कंटेंट होगा, बॉडी जो होगी, उसकी शुरुआती लाइनों में ही आपको ये स्पष्ट कर देना है सामने वाले को कि ये किस बारे में है, किसके बारे में बात की जा रही है। और कंक्लूजन क्या होता है, निष्कर्ष, सबसे लास्ट में निष्कर्ष, आप किस प्रकार की उनसे कार्य करवाना चाह रहे हैं, किस प्रकार की एप्लीकेशन दे रहे हैं, वो सबसे लास्ट में स्पष्ट वो भी लिखा हुआ होना चाहिए। हम लोग लेटर सामान्यतः कोई भी बड़ा लेटर होता है, ऑफिशियल लेटर हो, अन्य लेटर हो, इस प्रकार के फॉर्मेट में पूर्णतः लेटर लिखा हुआ होता है, तो लेटर हाथ में लेते ही जो सामने वाला होता है सबसे पहले नजर डालता है किस बारे में। शॉर्ट में देखते ना, हम लोग बात कर रहे थे कल इन्विटेशन में, इन्विटेशन में हम लोग जैसे दौड़ करके देखते हैं प्रतिपोज सभा कब है, ठीक वैसे ही लेटर में क्या देखते हैं, लेटर में कि ये किस बारे में है। तो जो सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट पूर्णतः मेंशन कर देगा सारी चीजों को, होगा एक सेंटेंस में, शॉर्ट में ही होगा, लेकिन सब्जेक्ट प्रभावशाली है तो उसे फट पता चल जाएगा कि ये किस बारे में लेटर है। फिर ये बीच की लैंग्वेज, कुछ लोग ब्यूटी कंटेंट जो है ऐसे ऑफिशियल जो है पढ़ते भी नहीं है, ये पता चल जाए सामने वाले को, लेकिन अपने ऐसी बात नहीं है कि आपको कंटेंट में कुछ लिखना ही नहीं है, कोई पढ़ते नहीं है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। सामान्यतः जो आलसी प्रवृत्ति के लोग होंगे सब्जेक्ट से ही आइडिया लगा लेंगे कि वो किस बारे में है, फिर वो बाद में देखते हैं कि वो किसके द्वारा लिखा गया है, कौन से विभाग का है, कहाँ से आया है, ये सारी बातें।
एस्टैब्लिश द इंटेंशन ऑफ द लेटर। इंटेंशन, इंटेंशन यानी क्या होता है, उद्देश्य। उस लेटर का उद्देश्य क्या है, वो किस बारे में लिखना है, किसके लिए लिखना है, उसका पर्पस क्या है, उसको जो है आपको पहले समझ जाना है। समझने के बाद उसमें स्पष्ट रूप से कर देवे कि लेटर है किस बारे में, ठीक है। बी वेरी कॉन्शियस ऑफ द लैंग्वेज यूज। आप जो भी भाषा प्रयोग में ले रहे हैं तो आप उसको लेकर के थोड़े सावधान रहें। वो जो है लेटर की प्रवृत्ति के अनुसार चेंज होगी। कुछ लेटर जो है ऑफिशियल लेटर होंगे, बिजनेस लेटर की अलग लैंग्वेज होगी, ऑफिशियल लेटर की अलग होगी, जॉब एप्लीकेशन इनकी अलग होगी, और लेटर टू एडिटर जो है इनकी अलग होगी। हम मुख्य तौर पर इनको चार श्रेणियों में बांट के पढ़ेंगे। बिजनेस लेटर अलग से पढ़ेंगे, बिजनेस में भी अलग अलग कैटेगरी, इंक्वायरी के, ऑर्डर प्लेस करने के, किसी प्रकार की कोई कंप्लेन है या रिप्लाईज है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर जो ऑफिशियल लेटर, ऑफिसों में जो लिखे जाने वाले लेटर उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। लेटर जो है उसमें भी सारे कंप्लेंट के लेटर हैं, कोई रिक्वेस्ट के लेटर हैं वो, और इसके साथ ही साथ जॉब एप्लीकेशन के भी देखेंगे। लेटर टू एडिटर जो है वो इस प्रकार के चार कैटेगरी में बांट करके इनका अध्ययन करेंगे अपनी क्लास के माध्यम से। और लेटर की लेंथ है उसका भी ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा बड़ी करने की आवश्यकता नहीं है और बहुत ज़्यादा शॉर्ट में निपटाने की भी आवश्यकता नहीं है। यूनिक भी आपको बिजनेस लेटर लिखने के लिए कहा ना, आपने सीधे ही लिख दिया कि भाई अमर स्पोर्ट्स ये खेल सामग्री भेज दे बस, और नीचे अपना नाम लिख दे। इतना शॉर्ट भी नहीं करना है, पूरी जानकारी देते हुए आपको जो है लेटर को उसमें सारी चीजों को इंक्लूड करते हुए लिखना, और बहुत ज्यादा लेंथी भी नहीं करना है। अब हम बात करते हैं एक लेटर की सामान्यतः फॉर्मेट के बारे में। लेटर हम लोगों ने प्रकार तो देख लिए, दो प्रकार के हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल। हम लोग फॉर्मल के बारे में ज्यादा बात करेंगे, इनफॉर्मल अपने पाठ्यक्रम में है नहीं, उसमें भी फॉर्मेट लगभग सब में सेम ही होता है। तो फॉर्मेट से यह तात्पर्य है कि जब हम लोग लेटर लिखेंगे तो उस लेटर में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड करनी है। अब पहले समय में हम लोग लेटर लिखते थे तो बीच बीच में क्या करते थे कि लेटर का इस प्रकार का खाका होता था, तो लाइनिंग, जैसे मान लीजिए वो हाशिए की लाइन है, एड्रेस वगैरह यहाँ लिखते थे, इन कुछ चीजें वापस यहाँ, वापस कंटेंट वगैरह यहाँ लिखते थे, लास्ट में ये आपका आज्ञाकारी एप्लीकेशन में। तो आप भी अभी भी यही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, ये प्रधान आचार्य ये वाला थोड़ा सीधे डाल देते हैं, बाकी लास्ट में हम लोग यही कर रहे हैं अभी तक, है ना। लेकिन अब जो है इसमें सिस्टम में क्या हो गया कि भाई आप जो भी लेटर प्रारंभ करेंगे वो हमेशा बाईं ओर का जो हाशिया है हमेशा लेफ्ट साइड से ही प्रारंभ होगा। यहां से आप लिखना प्रारंभ करेंगे, सेंडर से एड्रेस होगा तो यहाँ होगा, डेट यहाँ पे होगी, जो रेसिपिएंट है उसका एड्रेस और पोस्ट वगैरह यहाँ पे होगी, सब्जेक्ट यहीं पे होगा, सैल्यूटेशन यहीं पे होगा, कंटेंट मेन बॉडी है वो यहीं पे होगा, एनक्लोजर लास्ट का जो पार्ट है, नाम वगैरह, लेटर जो है भेजने वाले सेंडर्स का, वो पोस्ट वगैरह, वो सारी की सारी इसी हाशिए से चिपकी हुई रहेगी। ये राइट वाला सिस्टम अब नहीं है, ठीक है। पहली बात तो क्लियर, आपको हमेशा जो लाइन होगी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी जो आपको कॉपी दी जाएगी उसकी आंसर शीट की जो लाइनिंग है उस लाइनिंग के लेफ्ट साइड से हमेशा आपको लेटर में चिपके हुए रहना है, उससे दूर परे हटने की जरूरत आवश्यकता नहीं है। फिर अब हम लोग देखते हैं कि लेटर लिखते समय कौन कौन से उसके जो मुख्य पार्ट होते हैं, किस प्रकार का फॉर्मेट रहेगा। अब ये सारे के सारे उसी लेफ्ट लाइन हाशिए से जो है लेफ्ट साइड से चिपके हुए हैं। सबसे ऊपर जो है वो आपके सेंडर्स एड्रेस होगा। सेंड, सेंड का मतलब क्या होता है, भेजना, और सेंडर यानी क्या हो गया, भेजने वाला, जो व्यक्ति लेटर लिख रहा है उसका जो है एड्रेस वगैरह यहाँ मेंशन किया जाएगा। उसका नाम तो सबसे नीचे आएगा, सिग्नेचर नाम वगैरह है तो, और जो लेटर लिख आपके भेजने वाला व्यक्ति है उस सेंडर्स का एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस आपको यहीं पर मेंशन करना है। अब सेंडर्स एड्रेस से तात्पर्य हो गया कि फॉर एग्जांपल आप लिखने वाले, जैसे हम लोग या आपका कोई यहाँ ग्रामीण लिख रहा है कि भाई आपने अपने कोई चौराया या जगह का नाम लिखा, वो इस तरीके से लेफ्ट साइड से आपने प्रारंभ किया छोटी जगह, फिर उसके बाद जो है उससे बड़ी वाली जगह को नीचे वाली लाइन में, उससे बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, ये इस तरीके से आपको कहीं पे भी कॉमा या फुल स्टॉप वगैरह का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। लेफ्ट साइड में आप सबसे ऊपर जो है सेंडर्स एड्रेस, जो व्यक्ति लेटर लिख रहा है उस व्यक्ति का एड्रेस यहाँ पर लिखा जाएगा। फिर है एक पंक्ति छोड़ दीजिए, थोड़ा स्पेस छोड़ना होता है। उसके बाद डेट लाइन, डेट लाइन यानी जो लेटर लिखा जा रहा है उस दिन की दिनांक आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। जिस दिन ये लेटर लिखा जा रहा है उस दिनांक को मेंशन करना है। दिमाग जो है आप किसी तरीके से लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आज की अपने को लिखनी है तो एक तो इस तरीके से लिख सकते हैं फेब्रुअरी कंप्लीट भी लिख सकते हैं पूरा, या फेब करके छोड़ दिया और 2024 नॉर्मल तरीके से, सादे तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, या ये जैसे
मंथ पहले मेंशन करना चाहते हो शॉर्ट में, फिर यहां पर कॉमा लगानी होगी, क्योंकि अंक अंक पास में रहेंगे तो बीच में कॉमा लगानी होगी, बाकी कॉमा की भी कहीं पे आवश्यकता नहीं है। इस तरह से लिख सकते हो, ये दो ही तरीके बेटर हैं। इसके अलावा तो भले सीधा ही लिख दें कि भाई 1/2/2024, तो अभी गलती नहीं है, लेकिन इस तरह का फॉर्मेट या ऐसे करके लिख दिया, ऐसे लिखने की बजाय इससे जो है ये दोनों तरीके आप अपनाइए, वो बेटर है। ठीक है, डेट जो है वो आपके अंकों में हो गई, फिर मंथ का नाम हो गया, और फिर जो है आपके ईयर हो गया, या मंथ पहले लिखते हैं तो फिर जो है इनके बीच में कॉमा लगानी है, बाकी लास्ट में डेट के पीछे या सेंडर्स एड्रेस के पीछे कहीं पे भी फुल स्टॉप या कॉमा का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, फिर तीसरी बात, तीसरा पॉइंट कहता है रेसिपिएंट्स एड्रेस। रेसिपिएंट, रेसिपिएंट यानी क्या होता है, प्राप्तकर्ता, रिसिप्ट यानी प्राप्त करने वाला, जिसको लेटर भेजा जा रहा है, ये तो भेजने वाले का एड्रेस हुआ, यहां पर एड्रेस लिखा जाएगा जिसको संबोधित करके लेटर लिखा जा रहा है, भेजा जा रहा है, तो उसका एड्रेस। अब एड्रेस, एड्रेस के साथ साथ उस व्यक्ति का नाम भी लिखा जाएगा, अगर नाम से है तो, कोई फॉर्म वगैरह है तो उसका एड्रेस, कोई नाम है उसकी, कोई पोस्ट है तो वो मेंशन कीजिए, फिर फॉर्म का नाम वगैरह। बिफोर एग्जाम्पल आप जैसे किसी फॉर्म को लिख रहे हैं तो द मैनेजर, मान लीजिए उसके मैनेजर को लिख रहे हैं तो द मैनेजर, और उस जो है संस्थान का, इंस्टीट्यूट का, फर्म का नाम हो गया। अब कौन सा, अभी फॉर एग्जांपल कोई स्पोर्ट्स शॉप है, उस दुकान का जो है नाम हो गया, ठीक है, या सीईओ हो गया, या द कलेक्टर हो गया, उस डिस्ट्रिक्ट वगैरह का नाम हो गया, वो सारी चीज़ें जो है नेम एंड डेजिग्नेशन, या डेजिग्नेशन और उस जो है संस्थान का नाम हो गया, वो यहाँ पर तीसरे नंबर पे एक पंक्ति के अंतराल के बाद आपको सामान्य तौर पर लिखना है। ज्यादातर अब अपने लाइनिंग बनी हुई होगी तो ये लिखने के बाद एक पंक्ति का अंतराल, फिर डेट के बाद एक पंक्ति का अंतराल, एक फिर पुनः एक बार एक पंक्ति का अंतराल, फिर जो है आपको, फिर बात आती है कि भी इनफॉर्मल लेटर है, ऑफिशियल लेटर है, तो अब अपने जो है क्या सैल्यूटेशन होगा, ग्रीटिंग होगा, लेकिन उससे पूर्व जो है आपको सब्जेक्ट डालना है, क्या क्या लिखेंगे, जिस बारे में ये फॉर्मल लेटर की बात कर रहे हैं तो सब्जेक्ट आपको चौथे नंबर पर मेंशन करना है, लेटर किस बारे में है उसका सब्जेक्ट जो है उस रेसिपिएंट एड्रेस के नीचे तुरंत बाद में एक पंक्ति छोड़ करके सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट से तात्पर्य क्या हो गया, विषय, जो लेटर लिखना है, जिस विषय में, जिस बारे में लिखना है, वो आपको स्पष्ट रूप से साफ तरीके से इंगित करना है सैल्यूटेशन से पूर्व कि भाई किस बारे में ये लेटर है। सामान्यतः आपके क्वेश्चन जो दिया हुआ होगा, क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा हुआ होता है कि आपको लेटर किस बारे में लिखना है। क्वेश्चन जो आते हैं अपने एग्जामिनेशन में वो किस प्रकार से आते हैं कि भाई आपको पहले कहेंगे, सपोज यू आर, आप जो है एक्स वाई जेड विद्यार्थी हैं, या कोई भी व्यक्ति हैं, या आप मैनेजर हैं, और उस फर्म का नाम होगा, या किस कारण से लिखा जा रहा, वो कारण लिखा हुआ होगा। फिर एक लैंग्वेज आती है, राइट अ लेटर टू, अब राइट अ लेटर टू, टू तो कौन हो जाएगा, रेसिपियंट, आप कौन हो गए, जो आपको बताया गया कि सपोज आप वो हैं इस फर्म के या इस स्कूल के, वो हो गया। फिर टू यानी जिसको लिखा जाना है वो रेसिपियंट हो गया, प्राप्त करने वाला, और फिर आगे उसी के आगे जस्ट लैंग्वेज लिखनी हुई होती है, इसके आगे या तो फॉर लिखा हुआ होता है, फॉर लिखकर के सेंटेंस, फॉर से तात्पर्य क्या है, फॉर का अर्थ होता है के लिए, तो लेटर किसके लिए लिखा जा रहा है, उसका इंटेंशन क्या है, उसका पर्पज क्या है, वो उसके बाद सब्जेक्ट होगा। कई बार जो है टू शब्द से भी जो है आपके प्रयोग करके उसके बाद वर्ब का प्रयोग करते हैं, तब उसका अर्थ भी यहां पर क्या होता है, के लिए, किसके लिए लिखना है, ठीक है ना, कि राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट टू कंप्लेन अबाउट द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, या टू कंप्लेन अबाउट द इरेगुलरिटी ऑफ पावर सप्लाई, बिजली की निरंतरता जो है, निरंतर रूप से जो है सप्लाई नहीं की जा रही है, उसके लिए जो है, या टू कंप्लेन अबाउट द इरेगुलरिटी, अनियमितता के बारे में लिखिए। तो टू, टू यानी जो है यहाँ पर उसके बाद जो वर्ब का प्रयोग किया जा रहा है तो वो क्या शो करता है, ये इन्फिनिट के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, वह शो कर रहा है इंटेंशन को, पर्पज को शो कर रहा है किस कार्य के लिए। तो सब्जेक्ट जो सामान्य तौर पर आपको क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि बिफोर या टू के बाद का जो पार्ट होगा वो आपके उस सेंटेंस में, पर्सन में सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट आपको अच्छे तरीके से उसमें इंगित कर देना है। आपको जब भी लेटर का जो पांचवा पार्ट होगा उसमें आपको सब्जेक्ट स्पष्ट रूप से लिखना है रेसिपिएंट एड्रेस के तुरंत बाद में, क्लियर। फिर है
सैल्यूटेशन ग्रीटिंग, सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन से तात्पर्य क्या हो गया, ग्रीटिंग से सैल्यूटेशन से यानी अभिवादन, जिसको लेटर लिखा जा रहा है उसका अपने को अभिवादन करना होता है। अभिवादन से या तात्पर्य क्या हो गया भाई, अपने हम लोग जो है फॉर्मल लेटर लिखेंगे, इनफॉर्मल में भी सैल्यूटेशन होता है। तो जो भी जिस व्यक्ति को, फॉर एग्जाम्पल आपने रेसिपिएंट एड्रेस में किसी एक व्यक्ति को संबोधित किया कि भाई टू द मैनेजर, तो वो एक व्यक्ति हो गया। या कोई फर्म वगैरह लिख रहे हैं, उस व्यक्ति का नहीं लिख रहे हैं, उसका पोस्ट और नहीं लिख रहे हैं, सीधे ही जो है आपने कुछ फर्म का, संस्थान का नाम लिखा, तो उस कंडीशन में जो है आपके डियर का प्रयोग करते हुए, सैल्यूटेशन ग्रीटिंग सब में सामान्य तौर पर डियर का ही प्रयोग करना है ना। कोई सम्माननीय व्यक्ति ऑफिशियल है तो डियर सर हो जाएगा, है ना, और बिजनेस लेटर में भी हो जाएगा। और वो एक पोस्ट का नहीं है ना, अधिक हो सकता है तो डियर सर्स हो सकता है, क्लियर। या ऐसे किसी का नाम हो तो हम लोग नाम भी लिख सकते हैं, डियर मिस्टर राम, इस तरीके से भी कर सकते हैं, प्रिय श्रीमान राम। और अभी तक हम लोगों ने कहीं पे भी जो है एक सेंटेंस में सब्जेक्ट जो लिखा उसमें लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग किया है, सैल्यूटेशन के बाद जो है कॉमा का प्रयोग आप लोग कर सकते हैं। बाकी अदरवाइज कहीं पे भी फुल एड्रेस लिखा तो भी लास्ट में फुल स्टॉप, डेट के पीछे भी फुल स्टॉप इनका प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। और नाम ये तो हम लोगों ने बड़ा है सम्मान्य तरीके से लिखा, इनफॉर्मल में हम लोग अपने से कोई छोटा होता था तब हम लोग नाम लिखते थे कि भाई डियर राम, इसका मतलब वो आपसे छोटा भाई है। आपके आपसे कोई बड़े जो होते थे, भले पिताजी हो कोई बड़ा भाई हो, तो उस समय उनका नाम नहीं लिखते थे, डियर फादर, डियर ब्रदर, डियर मदर, इस प्रकार से लिखा करते थे। तो ग्रीटिंग सैल्यूटेशन होगा, ग्रीटिंग सैल्यूटेशन के बाद का जो पार्ट होगा आपके वो आएगा मेन कंटेंट, और बॉडी जो है उस लेटर की लिखी जाएगी। इनमें सामान्य तौर पर इसके बाद भी लाइन, इसके बाद भी लाइन, इसके बाद भी लाइन, और सब्जेक्ट जो है उसके बाद जो है, या लेफ्ट साइड से आपको सैल्यूटेशन का प्रयोग, और उसी नेक्स्ट लाइन में आपको उसकी मेन जो कंटेंट है बॉडी उसका लिखना प्रारंभ कर देना होता है। अब मेन कंटेंट जो बॉडी है वो किस तरह से प्रारंभ होगी, वो अलग अलग लेटर के ऊपर डिपेंड करेगा, किस प्रकार का लेटर लिख रहे हो उसी अनुसार लैंग्वेज से वो आपके सेंटेंस या मेन कंटेंट प्रारंभ होगा। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन लास्ट में जो उस लेटर का समापन करना है वो कौन सी लैंग्वेज से करना है, वो थैंकिंग यू ने सॉरी योर अफेक्शनेटली, योर फेथफुली, योर, इस प्रकार के सेंटेंसेस, इस प्रकार के शब्दों का जो प्रयोग करते हैं वो, और सिग्नेचर लास्ट में अगर उस व्यक्ति के होते हैं तो वो लास्टिंग का, लास्ट का जो पार्ट है। अब सामान्यतः हम लोग जो है फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो उसका समापन जो है वो एनक्लोजर है वो थैंकिंग यू से करना होता है, ठीक है ना। थैंकिंग यू भी सादे तरीके से लिखना, आपने लेफ्ट साइड में लिखते हैं पहले। हम लोग अभी भी कुछ विद्यार्थी जैसे एप्लीकेशन लिख करके लाते हो तो धन्यवाद या थैंक यू ऐसे टेढ़ा करके ऐसे ऐसे लिखा करते हैं, स्टाइल से थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा ऐसे लिखने के बजाय आप जहां आपकी मेन कंटेंट बॉडी जहां समाप्त हुई है इस लेफ्ट हैशिए के साथ में, ये जैसे पूरा हो गया यहाँ पे, तो इसी के तुरंत बाद वाली लैंग्वेज में आपको सीधे तरीके से थैंकिंग यू का प्रयोग करना है। फिर उस व्यक्ति का नाम और कोई पोस्ट वगैरह है तो वो लिखना है, उससे पूर्व जो है आपको क्या लिखना है, आपका विश्वास पत्र, आपका अपना, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, ठीक है, और उस व्यक्ति का फिर नाम आ जाएगा, और कोई पोस्ट है तो पोस्ट आ जाएगी। तो ये मुख्य तौर पर एक जो सामान्यतः लिखे जाने वाले लेटर के मेन मेन कंटेंट या फॉर्मेट है, आपको इस सीक्वेंस में चलते हुए एक लेटर को जनरली लिखना होगा। चलिए ये तो थी, अब जैसे हम लोगों ने बात पहले थोड़ी और की थी कि फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर में क्या अंतर है, तो फॉर्मल और इनफॉर्मल के फर्क को थोड़ा समझ लेते हैं। फॉर्मल लेटर ही जो है बिजनेस लेटर है, चाहे लेटर एप्लीकेशन है, चाहे हम लोग जितनी भी स्कूलों में एप्लीकेशन वगैरह लिख रहे हैं, किसी भी प्रकार की स्कूल में कहीं बार जो एप्लीकेशन के फॉर्म के रूप में लिखी जा रही है तो वो फॉर्मल लेटर है। हायर अथॉरिटीज, उच्च अधिकारियों को लिखा जाने वाला, न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखा जाने वाला, बिजनेस के सिलसिले में लिखे जाने वाले, ये सारे लेटर जो है वो फॉर्मल लेटर की कैटेगरी में आएंगे। और इनफॉर्मल लेटर को जो है सामाजिक पत्र भी कहते हैं, सोशल लेटर। अब सोशल लेटर किन को, नाते रिश्तेदारों को लिखा जाने वाला, जो है किसी प्रकार का इन्विटेशन देने वाला, कोई फ्रेंडों को लिखा जाने वाला, वो लेटर जो है आपके इनफॉर्मल लेटर होगा। अपने पाठ्यक्रम में ये है लेटर, बिजनेस लेटर हो गए, एप्लीकेशन है जॉब एप्लीकेशन का हो सकता है, या अन्य ऑफिशियल जो है एप्लीकेशन को हो सकती है, या कंप्लेंट के लेटर हो सकते हैं, या लेटर टू एडिटर हो सकते हैं। फॉर्मल और इनफॉर्मल में सामान्यतः क्या फर्क होता है वो देख लेते हैं। ये हमेशा जो है
फॉर्मल लेटर जो लिखा जाएगा वो प्रोफेशनल तरीके से लिखा जाएगा, यानी पेशेवर अंदाज में या किसी भी प्रकार के व्यवसाय वाणिज्य के पर्पज से उद्देश्य से लिखे जाने वाले लेटर हैं वो आपके फॉर्मल लेटर होंगे। और ये हमेशा जो है किस काम के लिए होंगे, पर्सनल पर्पज के लिए, व्यक्तिगत कार्य के लिए वो लेटर लिखे जाएंगे, वो इनफॉर्मल होंगे। अ कम्प्लीटली फॉर्मल जिसकी जो टोन होगी, वो लिखने का जो तरीका होगा वो बिल्कुल फॉर्मल होगी, औपचारिक भाषा का ज़्यादा प्रयोग करेंगे, यानी आप बरी रहूंगा ना आपका आज्ञाकारी इन मोस्ट रेस्पेक्टफुल इन विथ ड्यू रेस्पेक्ट काइंडली ग्रांट मीन या डू सम नीड्स एज सून एज पॉसिबल, इस प्रकार के लैंग्वेज का ज़्यादा प्रयोग करेंगे। और इसमें जो है आपके कुछ इमोशनल बातें भी होगी, कैजुअल बातचीत भी होगी, हालचाल भी पूछे जाएंगे। हम लोग छोटी क्लास में 10वीं तक पढ़ते थे तो यही लिखते थे ना कि भाई जो है आई एम क्वाइट वेल एंड होप द सेम फॉर यू, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, आपके लिए भी अच्छी मंगल कामना की उम्मीद करता हूँ। या लिखते थे कि आई एम प्लीज टू रिसीव योर लेटर लास्ट संडे, मुझे जो है पिछले सोमवार को रविवार को आपका पत्र प्राप्त करके अत्यधिक प्रसन्नता हुई। ऐसी लैंग्वेज का प्रयोग फॉर्मल में नहीं किया जाएगा। इट शुड बी प्रेसाइज एंड टू द पॉइंट, ये निश्चित रूप से जो है पॉइंट टू पॉइंट और वास्तविक तथ्यात्मक बातें होनी चाहिए, अनर्गल बातें इसमें शामिल नहीं की जाती है। और ये थोड़ा सा लेंथी भी हो सकता है, लंबा चौड़ा भी हो सकता है, इनफॉर्मल जो रिश्तेदारों को लिखा जाएगा। ये क्लाइंट को किसी प्रकार के कॉलेजों में, स्कूलों में, ऑफिस में जो लिखे जाते हैं ये सामान्यतः दोस्तों और रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं। तो ये मुख्य अंतर है फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर में, किस किस प्रकार के अंतर हो सकते हैं। अब हम लोग सबसे पहला जो प्रकार है बिजनेस लेटर की बात करते हैं। एक प्रकार थोड़ा सा आज हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में दूसरे अलग अलग तीन चार कैटेगरी में बांट करके पढ़ेंगे। लेटर टॉपिक में 2 से 3 दिन लगेंगे अपने, डंका टॉपिक है, कितने 7 अंक का है ना, हाँ, तो महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसको अच्छे से देखेंगे। बिजनेस लेटर, बिजनेस लेटर से बिजनेस से तात्पर्य क्या होता है, व्यवसाय, किसी भी प्रकार का काम धंधा व्यवसाय से संबंधित। अब व्यवसाय से संबंधित कैसे लेटर हो जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल आप जो है अपनी स्कूल को जैसे मान लीजिए लेटर लिखना हो कि व्यवसाय कैसे लिख सकती है, फॉर एग्जाम्पल अपनी स्कूल को कुछ खरीदना हो या आपकी क्लास को कुछ खरीदना हो, आपकी क्लास को नहीं खरीदना, जैसे हम लोग फेयरवेल की बात कर रहे हैं, फेयरवेल कहाँ पे रखनी है, इसको लेकर के कोई बंदोबस्त करना हो, ये सारे सामान की जब भी हम लोग बात कर रहे थे इस रूम के अरेंजमेंट की, तो ये सारा कोई सामान खरीदना हो, उसके बारे में जानकारी लेनी हो, ऑर्डर देना हो कि ये जो है ट्यूबलाइट ले आइए, ये कर्टेंस ले आइए, ये मैट ले आइए, तो ये सारी कैटेगरी में आएंगे बिजनेस लेटर की कैटेगरी में। फॉर्मेट सारा वही रहेगा। अब सबसे पहली प्रोसेस क्या होती है, आपका विद्यालय जैसे मान लीजिए स्पोर्ट्स के, मान लीजिए आपके विद्यालय में अपने 25,000 आते हैं हर वर्ष आते हैं, तो इसमें पहले प्रक्रिया क्या होगी, स्कूल जो है जो भी अच्छे अच्छे स्पोर्ट्स के जो बड़े फॉर्म हैं उनको लेटर लिखेगा कि भाई हमें इस प्रकार का इतने हज़ार का ये सामान खरीदना है, हमें क्रिकेट का किट खरीदना है, बास्केटबॉल का खरीदना है, आप हमें इनकी विस्तृत जानकारी बताइए, प्राइसेस वगैरह बताइए। हम लोग पहले इंक्वायरी, सबसे पहला प्रोसेस होता है इंक्वायरी करना, पड़ताल करना, फिर जो है उसको भेजेंगे 2-3 कंपनियों को भेजेंगे टेंडर के लिए, फिर वो वापस उसका रिप्लाई देंगे क्या आपका उस दिन का इतने दिनांक का ये इतने नंबर का पत्र हमें प्राप्त हुआ, उसके रिप्लाई के तौर पर जो जो आपने जानकारी मांगी थी वो हम आपको इस लेटर के माध्यम से भेज रहे हैं। फिर वो सूची भेजेगा कि क्रिकेट का किट इतने में आता है, बास्केटबॉल का इतने में, फुटबॉल का इतने में आता है, सारी 3-4 फर्मों से रेट लेंगे। तो पहली प्रोसेस इंक्वायरी की, दूसरी प्रोसेस लेटर किस प्रकार का वापस उसका रिप्लाई, फिर जो इनमें से जैसे मान ली 3-4 का आया, अपने प्रोसेस क्या होती है, एक भी पसंद आया जिसका भाव भी अच्छा है, चीज़ें भी अच्छी है, फिर वापस क्या करेंगे, ऑर्डर प्लेस करेंगे, फिर लेटर लिखा जाएगा बिजनेस का तीसरे काइंड का ऑर्डर प्लेस के लिए। ऑर्डर प्लेस का मतलब आदेश, उसको ऑर्डर देने के लिए कि हाँ भाई आपका ये जो है पत्र क्रमांक इतना हमें प्राप्त हुआ था, हमारे विद्यालय में इन इन चीज़ों की आवश्यकता है, क्रिकेट बैट संख्या लिख दी आगे 3, लेदर बॉल 15, बास्केटबॉल इतनी, नेट इतनी, बैट इतने, ये सारे के सारे, ये किस प्रकार का लेटर हो गया, ऑर्डर प्लेस करने के लिए, ठीक है, ये हो गए 3 कैटेगरी के। अब कोई आपने खरीद लिया और किसी भी प्रकार की कंप्लेंट है, भी आपने लेटर खरीद लिया ना आपकी कोई समस्या है, तो लेटर ऑफ कंप्लेंट होंगे फिर, यानी शिकायती पत्र, जिसमें कहेंगे कि भाई मैंने आपके जो है फॉर्म से इस प्रकार का स्मार्ट बोर्ड खरीदा था इतने रुपए में, इस तारीख को ये बिल है, बिल क्रमांक ये है, इतने रुपये मैंने दिए थे, और लेकिन वो बोर्ड सही तरीके से कार्य नहीं कर रहा है, या टीवी सही तरीके से कार्य नहीं कर रही है, वॉशिंग मशीन खराब हो गई है, तो वो लेटर ऑफ कंप्लेंट हो गए। तो बिजनेस लेटर में भी 3-4 कैटेगरी के ऐसे लेटर होंगे। सबसे पहले की हम लोग बात करते हैं, लेटर ऑफ इंक्वायरी के लिए हो सकता है, ऑर्डर प्लेस के लिए हो सकता है, जो
एनक्वायरी के लिए, तो उसका वापस रिप्लाई क्या हो सकता है, या किसी प्रकार की मुख्य तौर पर शिकायत करनी है, तो ये बिजनेस लेटर सामान्यतः आपके अलग अलग कैटेगरी के चार मुख्य जो है इनका हम लोग अध्ययन करेंगे। व्यवसाय से संबंधित, पेशे से संबंधित, बिजनेस से संबंधित, ये सारा बिजनेस ही है, रिटेल से संबंधित सारे लेटर हो गए। तो लेटर ऑफ जो सबसे पहले कैटेगरी की हम लोग अगर बात करें हैं, तो आप जब जैसे ये जो लेटर लिखेंगे ना, अब इसमें से कोई भी लेटर लिखे तो सामान्यतः जो लैंग्वेज लिखी जाएगी, बॉडी की जो कंटेंट का जो मेन कंटेंट है वो प्रारंभ किया जाएगा। भले किसी भी प्रकार का कोई लेटर हो, सबसे ऊपर तो सेंडर्स एड्रेस आएगा, जो लेटर लिखने वाला व्यक्ति है उसका आ जाएगा, फिर डेट आ जाएगी, ठीक है ना, फिर जो है क्या आ जाएगा उस व्यक्ति का जिसको हम लोग लेटर लिख रहे हैं, रेसिपिएंट्स एड्रेस आ जाएगा। और अब हम लोग जैसे ऐसे कुछ पहली कैटेगरी में तो ठीक है, यही मान लीजिए ऑर्डर का होता है या रिप्लाई का होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, अभी मैंने बात बोली बीच में कि उसका संदर्भ लिखा जाता है कि आपका इस दिनांक को इतनी तारीख को इतने नंबर का लेटर प्राप्त हुआ था, तो वो रेफरेंस अगर मान लिया जाता है तो वो रेफरेंस आपको जो है बीच में इंक्लूड कर देना है, ठीक है ना। रेफरेंस यानी संदर्भ, किस संदर्भ में लिख रहे हो, कोई लेटर आपको प्राप्त हुआ है, किसी ने इंक्वायरी की, आप उस दुकान के मालिक है, आपको वापस उसका जवाब देना है, तो आप कहेंगे कि इतने दिनांक को इतने नंबर का जो आपका पत्र प्राप्त हुआ था उसी के संदर्भ में मैं ये वापस इसका रिप्लाई लिख रहा हूँ, वो इसके नीचे आ जाएगा। फिर उसकी जो है सैल्यूटेशन वगैरह, सब्जेक्ट वगैरह जो है वो आ जाएंगे, रेफरेंस प्रसंग जो है किसके संदर्भ में लिखा जा रहा है, ठीक है। अब जो बॉडी की बात कर रहा हूं, मेन कंटेंट जो लिखना प्रारंभ करेंगे, इसी तरीके से जैसा लेटर है उसी अनुसार जो है आपको प्रारंभ कर देना है, वी आर प्लीज टू रिसीव योर लेटर, ये आप बताइए किस प्रकार का है ये वापस रिप्लाई देने के अर्थ में, क्योंकि लेटर पहले इनको प्राप्त हो गया है। वी आर प्लीज्ड, हमें अत्यधिक प्रसन्नता हुई आपका इतने नंबर का लेटर, इतनी तारीख का जो है वो लेटर हमें प्राप्त हुआ और आपने ऐसी जानकारी चाहिए, इसके लिए हमें अत्यधिक प्रसन्नता है। या ये भी रिप्लाई के संदर्भ में, विथ रेफरेंस टू योर लेटर नंबर, ये मैं लेटर जो लिख रहा हूँ आपके लेटर नंबर इतने इतनी तारीख को मिले लेटर के संदर्भ में लिख रहा हूँ, इस तरीके से प्रारंभ करेंगे, पहली लाइन की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। आई शैल बी मच ऑब्लाइज्ड इफ यू सेंड मी, यदि आपको कहना है कि आपको इंक्वायरी करने के लिए लेटर लिखिए, अभी मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल यू आर द मॉनिटर ऑफ क्लास 12th, आप क्लास 12th के आपकी कक्षा के मॉनिटर है, आपको किसी प्रकार की कोई इंक्वायरी करनी है, भी मैंने कह दिया कि भाई आप जो है इस प्रकार के बंदोबस्त कीजिए, ये कांच लगाने की व्यवस्था आपको करनी है, तो आप किसी जो है फर्म को, कांच की जो ग्लास की इंडस्ट्री है उनको कहेंगे कि भाई जो है मुझे बड़ी अत्यधिक प्रसन्नता होगी कि इस साइज के जो है खिड़कियों के कांच हमारे कक्ष में लगाने हैं, और उसकी जो है आप अगर डिटेल भेज सकते हैं, उसकी प्राइस भेज सकते हैं, कैसी क्वालिटी का, कैसे कलर का जो है अगर आप उपलब्ध है आपके पास वो भेजें, तो मैं उसके लिए आपका बड़ा आभारी रहूंगा। आई शैल बी मच ऑब्लाइज्ड, मैं आपका अत्यधिक आभारी रहूंगा यदि, इफ यू सेंड मी, यदि आप मुझे भेजते हैं। अब क्या भेजना है, क्या डिटेल है, वो आगे आपको लिखनी है। ये इंक्वायरी वाले लेटर का प्रारंभ हो सकता है इस तरह से, प्लीज डिस्पैच द अर्ली एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके जितना भेजने का प्रयास कीजिए, इस तरीके से लेटर सीधा प्रारंभ कर सकते हैं। तो ये कुछ तीन चार ऐसी हम लोग ऐसी बात लाइनों के बारे में बात कर रहे हैं, तो सामान्य तौर पर जो लेटर ऑफ इंक्वायरी हो सकते हैं या बिजनेस जो लेटर हो सकते हैं, इनकी शुरुआत आप हैं इस तरीके से सेंटेंसेस से कर सकते हैं, सरल तरीके सबके। एक बार दो चार लेटर आप पढ़ेंगे तो उसमें कॉमन लैंग्वेजेस, कुछ कॉमन सेंटेंसेस आएंगे, उन्हीं सेंटेंसेस को समझने का प्रयास करना। अब अपने जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम लोग कैटेगरी के बारे में बात करते हैं, बिजनेस लेटर की इंक्वायरी वाले लेटर किस प्रकार से लिखना है। क्वेश्चन इस प्रकार का रहेगा एग्जामिनेशन में, यू आर सूरज ऑफ क्लास 12th, आप कक्षा 12 के छात्र सूरज हैं और आप इस विद्यालय में अध्ययन करते हैं, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंदवान। आपका विद्यालय, योर स्कूल इज गोइंग टू कंडक्ट अ फेयरवेल पार्टी, फॉर एग्जाम्पल आप 12th के मॉनिटर हैं इस क्लास के, और आपका विद्यालय विदाई समारोह का आयोजन करना चाह रहा है, और आपको मॉनिटर होने के नाते इस प्रकार की विदाई समारोह को ऑर्गेनाइज करना है, उसकी व्यवस्था करनी है, और यह आप विदेश समारोह किसी हॉल में करना चाह रहे हैं, राइट अ लेटर टू द मैनेजर, ताज हरी महल जो होटल है उसके मैनेजर को लेटर लिखिए, टू मेक इंक्वायरी अबाउट द रेट्स टू यूज देयर हॉल फॉर द पार्टी, उनसे इंक्वायरी कीजिए, उनसे जांच पड़ताल कीजिए कि हमें इस तारीख को जो है एक फेयरवेल पार्टी के लिए बड़े से हॉल की आवश्यकता है, और उनकी क्या क्या रेट्स वगैरह है उनके बारे में सारी डिटेल कीजिए, उनसे इंक्वायरी कीजिए। तो क्या क्या चीजें मिल गई क्वेश्चन से, सेंडर्स एड्रेस मिल गया, सेंडर कौन है, सूरज है, उसका एड्रेस विद्यालय हो गया, फिर डेट हो गई, फिर
रेसिपिएंट्स ऐड, रेसिपिएंट कौन है, मैनेजर है ताजरी मेल होटल का, ठीक है। फिर सब्जेक्ट मिल गया, सैल्यूटेशन तो है ही है, डियर सर एक पोस्ट ही है ये। फिर सैल्यूटेशन सॉरी जो है सब्जेक्ट मिल गया, सब्जेक्ट क्या है, मेक इंक्वायरी अबाउट द रेट्स टू यूज हॉल, हॉल को काम में लेना है उसकी इंक्वायरी के लिए। अब ये देयर का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि उनका हॉल आपको काम में लेना है। हम उनको सीधा पूछेंगे तो यही कहेंगे कि भाई जो है हमें एक पार्टी के लिए हॉल की आवश्यकता है, जिसकी पड़ताल के लिए मैं ये लेटर लिख रहा हूं, टू मेक इंक्वायरी। यहां से सब्जेक्ट हो गया, किसके बारे में लेटर जो है किस लिए लिखना है, तो राइट अ लेटर। अब देखो क्वेश्चन इस प्रकार का लिखा हुआ होगा, एक लेटर लिखिए, राइट अ रिपोर्ट लिखिए, एक एडवर्टीजमेंट लिखिए या इनविटेशन रिप्लाई लिखिए, इन सब में आपको क्लियर हो जाता है कि वो सबसे लास्ट में जो है राइट वाला जहां से पार्ट होता है राइट होगा, या ड्राफ्ट लिखा होगा कुछ कंपोजिशन शॉर्ट कंपोजिशन के टॉपिक में, इस प्रकार से ड्राफ्ट लिखा हुआ होगा। इसका मतलब है कि आप लिखिए, उसी के आगे होगा किस बारे में अपने को लिखना है। तो सब्जेक्ट भी क्लियर हो गया, तो मेन जो है अपने जैसे उन्होंने शॉर्ट कंपोजिशन के टॉपिकों की बात की कि भी उनका फॉर्मेट बनाइए, तो फॉर्मेट हर चीज की आपको बनाना है, कंपोजिशन के जो भी टॉपिक है कम से कम आपको फॉर्मेट तो निश्चित रूप से बनाना है, फॉर्मेटिंग के भी जो है ड्राफ्टिंग के भी मार्क्स हैं। फिर ये मेन कंटेंट एंड लैंग्वेज एंड ग्रामर एंड वो देखी जाएगी, लेकिन फॉर्मेट आपको हर जो आपके कंपोजिशन का टॉपिक है उसमें निश्चित रूप से बनाना है। अब इस प्रकार का क्वेश्चन अपने आ जाए बेटा, तो प्रारंभ किस प्रकार से करना है, सबसे पहली चीज अपने क्या लिखनी है, सेंडर्स एड्रेस, उस व्यक्ति का एड्रेस जिसके द्वारा ये लेटर लिखा जा रहा है। सेंडर्स एड्रेस जैसे मान लीजिए वो स्कूल थी तो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, फिर जो है आपके नंदवान हो गया, या नंदवान या हो गया, उसका एड्रेस जैसे मान लीजिए जोधपुर हो गया, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंदवान। फिर एक लाइन पंक्ति को छोड़ेंगे, दूसरी चीज अपने क्या लिखनी है इसमें, डेट, डेट मेंशन करनी है, डेट शब्द लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधी लिख दीजिए कि भी आप जो है कितनी तारीख को ये लेटर लिख रहे हैं, ये हो गया डेट का पार्ट। फिर एक पंक्ति छोड़िए, फिर तीसरा पार्ट क्या करना है, किसका, रेसिपिएंट्स एड्रेस जिसको ये प्राप्त होगा लेटर, प्राप्तकर्ता कौन है, यहाँ पर इसमें इस सेंटेंस में क्वेश्चन में कौन था, मैनेजर, कौन था, तो वो मैनेजर हो जाएगा, उसकी पोस्ट होगी द मैनेजर, ठीक है, और उस होटल का नाम हो गया द ताज पैलेस, जो भी है, क्लियर। फिर जो है अपने उसके बाद ये लेटर जो है किस बारे में है, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो जाएगा, इस बार सब्जेक्ट शब्द लिखने की आवश्यकता है, बाकी वालों में कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। और फिर जो है सब्जेक्ट किस बारे में, टू इंक्वायर, ठीक है ना, पड़ताल के लिए, इंक्वायर अबाउट, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, टू इंक्वायर अबाउट हॉल फॉर पार्टी, पार्टी के लिए हॉल की जानकारी के लिए, ठीक है, या टू मेक इंक्वायर अबाउट अ हॉल फॉर फेयरवेल पार्टी, फेयरवेल पार्टी के लिए हॉल की आवश्यकता है उसके लिए, ठीक है। अब जैसे अब सैल्यूटेशन हो गया, सैल्यूटेशन हो जाएगा डियर सर, एक ही व्यक्ति है ज्यादा, या पोस्ट नहीं होती तो सर्स हो जाते सीधे, ठीक है। फिर यहां पर मेन कंटेंट प्रारंभ होगा, अब कंटेंट सीधा हम लोग कैसे ले सकते हैं कि मैं ये पत्र जो है फेयरवेल पार्टी के हॉल की जानकारी के लिए, उसकी रेट की जानकारी के लिए लिख रहा हूं, कौन कौन सी सूचनाएं देनी होगी आपको, वो हॉल कब चाहिए, एक तो ये मेंशन करना होगा कितने लोगों के लिए चाहिए होगा, कितने समय के लिए चाहिए होगा, ये सारी चीजें आपको बतानी है सामने वाले को लेटर में, ये सारी चीजें इंक्लूड करनी है। आप जो है उनसे क्या पूछेंगे कि भी आप जो है इस समय उपलब्ध हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये हॉल कितनी रेट होगी, कितनी प्राइस होगी, इसका कंफर्मेशन जो है हमें वापस दीजिएगा जितना जल्दी हो सके, ये चीजें मेंशन करनी है अपने को। तो लेटर ऑफ इंक्वायरी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, तो ये तो हम लोगों ने बात की थी इसकी जो है फॉर्मेट कंटेंट के बारे में, फॉर्मेट के बारे में अब हम लोग बात करते हैं कि बॉडी जो इसकी लिखी जाएगी, मेन जो बीच का जो पार्ट है वो किस प्रकार से होगा। ये तो इसका सब्जेक्ट हो गया, इंक्वायर अबाउट चार्जेस ऑफ द हॉल फॉर कंडक्टिंग अ फेयरवेल पार्टी, फेयरवेल पार्टी के लिए जो होटल का रूम लिया जा रहा है, हॉल लिया जा रहा है, उसके चार्ज कितना है उसकी जानकारी के लिए, ये सब्जेक्ट हो गया। फिर सैल्यूटेशन हो गया, अब यहाँ पर बात हो रही है उसके मेन कंटेंट की, मेन कंटेंट को इनको जितने भी बॉडी कंटेंट है इनको रटने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे सरल सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए,
भाई लेटरमैन वो लेटर कोई प्रभाव ही नहीं होता जिसमें कोई बहुत ज्यादा भारी लैंग्वेज का भारी शब्दों का प्रयोग कीजिए, साधारण इंग्लिश का प्रयोग करते हुए लिखना है। अब अपने जैसे पहले सबसे पहला सेंटेंस शुरू कैसे कर लिया, अवर स्कूल विशेज टू ऑर्गेनाइज अ फेयरवेल पार्टी, हमारा विद्यालय विश करता है कामना करता है किसकी, टू ऑर्गेनाइज आयोजित करने की, अ फेयरवेल पार्टी फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th इन योर पार्टी हॉल। कुछ नहीं, सरल इंग्लिश सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हुए, हमारा विद्यालय आपके होटल के पार्टी हॉल में कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए फेयरवेल पार्टी आयोजित करना चाहता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो क्या लिखा, हमारा स्कूल चाहता है, तो आवर स्कूल वांट्स टू, आवर स्कूल विशेस टू, ठीक है ना। साधारण सेंटेंस क्या हो गया, हमारा विद्यालय चाहता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ता है ती है का प्रयोग करते हुए, सब्जेक्ट वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का प्रयोग करते हुए, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के ये देखो टू ऑर्गेनाइज का प्रयोग किया तो मैन इसमें जो है फिनिट वर्ब तो विशेष है, ये टू लगने के बाद टू ऑर्गेनाइज आयोजित करना चाहता है, तो लेटर का जो इंटेंशन है वो भी क्लियर हो गया कि ये व्यक्ति लेटर क्यों लिख रहा है, वो बता रहा है कि हमारा विद्यालय आपके होटल के जो है हॉल में कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए एक पार्टी आयोजन करना चाहता है, क्लियर। अब अपने को जानकारी देनी है कि भाई जो है इसमें लगभग हम लोग इतने लोग इस पार्टी में इंक्लूड होंगे, इतने लोग इस पार्टी में शरीक होंगे, तो देयर आर 170 स्टूडेंट्स एंड टीचर ऑल टुगेदर फॉर दिस पर्पज, इस उद्देश्य के लिए 170 लोग हैं, ये भी प्रेजेंट टेंस ही है, ठीक है ना, सिंपल प्रेजेंट ये, देयर आर 170 स्टूडेंट्स, हम लोग लिखते हैं कि हमारे विद्यालय में इतने विद्यार्थी हैं, इतने टीचर्स हैं या इतने कमरे हैं, तो सामान्यतः इसी प्रकार के सेंटेंस को पैटर्न को फॉलो करते हैं, तो देयर आर 170 टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ऑल टुगेदर फॉर पर्पज, इस पार्टी के लिए लगभग हम लोग 170 लोग हो जाएंगे, इतने लोगों के लिए पार्टी हॉल की आवश्यकता है। वी विल हैव द पार्टी ऑन 15th फरवरी 2024, हम लोग इस पार्टी का आयोजन 15 फरवरी 2024 को करेंगे, वी विल हैव सिंपल फ्यूचर टेंस है, हम रखेंगे या करेंगे, have यानी होना रखना पास में, तो वी विल हैव द पार्टी, हम लोग पार्टी करेंगे 15 फरवरी को 10 बजे से, प्रातः 10 बजे से 1 बजे के बीच में, ताकि उनकी उपलब्धता वो बता सकें कि उस समय भी कोई प्रायर उनके जो है बुकिंग तो नहीं है उनके लिए। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, आई वुड लाइक, ये व्यक्ति लिखने वाला व्यक्ति जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मॉनिटर है उस क्लास के, वो सूरज लिख रहा है, तो वो कहता है आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा टू सेंड मी द नेसेसरी डिटेल्स, आप आवश्यक आवश्यक जानकारी भेजिए, क्या लाइक के जैसे चार्जेस, उसके चार्जेस कितने होंगे, एडवांस रिक्वायर्ड, यदि किसी भी प्रकार का एडवांस अगर आप लेते हैं कुछ और एडवांस देने होंगे पैसे तो वो बताइए, एंड कन्फर्मेशन रिगार्डिंग बुकिंग, और बुकिंग से संबंधित कन्फर्मेशन वापस आप मुझे दीजिए। ये तो हुआ लेटर ऑफ इंक्वायरी इसका। अब जो ये व्यक्ति अगर मान लीजिए जिस मैनेजर को लिखा है तो वो वापस देगा, वो भी बिजनेस लेटर होगा और वो उसका क्या देगा, रिप्लाई देगा, है ना। तो ये डिस्पेस वगैरह होंगे या उसमें क्या होता है नंबर लिखे जाते हैं भाई ऑफिशियल लेटर में, ऑफिशियल लेटर में क्रमांक लिखे जाते हैं कि इतने नंबर का ये लेटर, यहाँ से कुछ अपने स्कूल से जितने भी आदेश निकलेंगे लेटर निकलेंगे तो उसमें जो है डिस्पेस नंबर लिखे जाते हैं, जावक नंबर, एक पंजी का रजिस्टर होता है कि इतने नंबर आदेश, तो उसकी दिनांक लिखी जाती है। तो ये जो है वापस लिखेगा अगर मान लीजिए व्यक्ति, तो वो होगा इसका रिप्लाई, वो लिखेगा फिर रेफरेंस नंबर, यानी आपने ये जो लेटर लिखा था ना इंक्वायरी का इतनी तारीख को इतने नंबर का, उसके रेफरेंस में जो है वापस उसका जवाब देते हुए लिख रहा हूं। तो अब वो लैंग्वेज कैसे प्रयोग में लेगा, वी आर प्लीज टू रिसीव योर लेटर नंबर अनडेटेड, इतनी तारीख को आपका वो लेटर प्राप्त हुआ था फेयरवेल पार्टी के हॉल की बुकिंग को लेकर के, वो लेटर प्राप्त हुआ तो हमें बड़ी अत्यधिक प्रसन्नता हुई, पर अब हम उसका जो है उसके रेस्पॉन्स में उसका जवाब भेज रहे हैं, आपने जो जानकारी मांगी थी, आपने प्राइसेस के बारे में पूछा था, एडवांस के बारे में पूछा था, उस दिन की उपलब्धता के बारे में पूछा था, तो ये जो जो भी आप ऑफर कर रहे हैं वो सारी उसका वापस रिप्लाई देगा वो व्यक्ति जिससे इंक्वायरी की गई। बिजनेस लेटर इस सिलसिले में चलेंगे, इंक्वायरी का, वापस रिप्लाई का, प्लेसिंग ऑर्डर का, है ना, और अगर कोई आपने प्रोडक्ट या कोई ऐसा ऑर्डर कर लिया उसका कंप्लेंट है उससे रिलेटेड, तो फिर कंप्लेंट का लेटर, तो हम लोग इस प्रोसेस से गुजर के इन टॉपिकों को
पढ़ेंगे। आज जो है आप लोग कार्य करेंगे लेटर ऑफ इंक्वायरी जो है लिख करके उसका अभ्यास करने का प्रयास करेंगे। सबसे लास्ट में जो है क्लोजिंग पार्ट होगा, थैंकिंग यू योर फेथफुली, नाम हो जाएगा उस व्यक्ति का जिसका लेटर लिखना था। कौन था? सूरज। सूरज का नाम लास्ट में आ जाएगा। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो इसके आगे के जो बिजनेस लेटर की अलग कैटेगरी के हैं उनका अध्ययन भी करेंगे।